Hello, I am Dr. Tushar Dixit, laparoscopic and general surgeon at Dixit Hospital and Harsha IVF Center, practicing since 28 years. Each and every cancer does not have a vaccine. हर एक कैंसर की वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती, पर मानो कि यूटरस के माउथ का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उसका वन ऑफ द रीजन इज वायरस इन्फेक्शन से होता है, तो उसकी वैक्सीन अवेलेबल है. बाकी सब कैंसर की वैक्सीन इस तरह से अवेलेबल मार्केट में होती नहीं है कि जिसकी वजह से हम लोग कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं. कैंसर की बहुत सी वजह होती है, जीनेटिक्स हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, क्रॉनिक इरिटेशन हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, तो डिपेंड ऑन एक्सपोजर वो होता है. तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने इस कैंसर की वैक्सीन ले ली तो मुझे कैंसर नहीं होगा. एक्सेप्ट यस, इफ यू टेक वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर, इट्स पॉसिबल इन प्रिवेंट फॉर फ्यू ईयर्स. ये जो मैंने बताया वो पेशेंट्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर है, तो कॉमन है. अगर आपको कोई स्पेसिफिक कैंसर या कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे हॉस्पिटल दीक्षित हॉस्पिटल के वेबसाइट पे जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ताकि हम लोग आपको इसका स्पेसिफिक आंसर दे सकते हैं. थैंक यू.